भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। गणेश मंडल के सभी प्रभुजन, मेरे पिता तुल्य, मेरी माता बहने, मेरे युवाजन और हम सबको आशीर्वाद देने पधारे यहां सभी अतिथियों को मैं प्रणाम करता हूं। गणेश चतुर्थी का उत्सव आने वाला है और हर शुभ काम हम गणेश जी की आराधना पूजा से करते हैं और कोटा का ये प्रवेश द्वार भी गणेश मंडल के नाम से ही जाना जाता है। जैसा इस मंडल का नाम वैसे ही यहां के लोग, संस्कारित लोग, आध्यात्मिक लोग, धर्म के लोग और ये गणेश मंडल में, चाहे गणेश जी का मंदिर हो, चाहे हनुमान जी का मंदिर हो, चाहे बांके बिहारी हो, चाहे माता जी का मंदिर हो, ये सारा स्थान पूरा का पूरा तीर्थ और आध्यात्मिक का स्थल है और आप सब धन्य हो कि आप इस तीर्थ की नगरी में यहां पर रहते हैं। आप सबके आशीर्वाद से माननीय मदन दिलावर जी को आपने विधायक बनाकर भेजा, मुझे सांसद बनाकर भेजा, आपकी ऊर्जा, आपका आशीर्वाद नहीं मुझे लोकसभा का अध्यक्ष बनाया और मेरी कोशिश रहती है कि लोकसभा के अध्यक्ष के नाते देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे बड़ी आबादी वाले देश का लोकतंत्र, जनता की अपेक्षाएं आकांक्षाओं को पूरा करे, जनप्रतिनिधि जनता की भावनाएं, अभाव, कठिनाइयों को सदन में अभिव्यक्त करे और सदन के माध्यम से देश की जनता का सामाजिक आर्थिक कल्याण हो। हम सब गौरवान्वित हैं कि इस अमृत काल में हमें एक ऐसे नेतृत्व के रूप में नेतृत्व मिला है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आज देश तो आगे बढ़ ही रहा है लेकिन दुनिया के अंदर भारत का सम्मान और विश्वास भी बढ़ा है और आज प्रधानमंत्री जी भारत के नहीं पूरे विश्व के नेता हैं। चाहे अमेरिका की यात्रा में जाएं, चाहे दक्षिण अफ्रीका की यात्रा में जाएं, चाहे फ्रांस जाएं, दुनिया के जिस देश में जाते हैं भारत का गौरव और सम्मान बढ़ा कराते हैं और आज दुनिया भारत की ओर देख रही है। दुनिया आने वाले समय के अंदर भारत के नौजवान जो वैश्विक चुनौतियों का समाधान कर रहे हैं, इसलिए दुनिया के विकसित देश भी भारत की ओर देख रहे हैं और इस अमृत काल के अंदर एक कुशल नेतृत्व में हमारी भी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम सब मिलकर इस अमृत काल के अंदर भारत को विकसित भारत बनाएं। और विकसित भारत बनाना है
साथ मिलकर काम करना है। सबको समाज के वंचित गरीब व्यक्ति के अभावों को दूर करना है, उनके जीवन स्तर को सुधारना है। मुझे याद है ये सारा क्षेत्र अभी भी मूल सुविधाओं से वंचित है। मुझे याद है इस इलाके के अंदर चंबल नजदीक होने के बाद भी पीने के पानी के लिए रोजाना यहां के विधायक जी को संघर्ष करना पड़ता है, विधानसभा में लड़ना पड़ता है, लेकिन जनता तो सबकी है। कोई बीजेपी का विधायक जीत जाए, सरकार को दलगत राजनीति के आधार पर चश्मे से नहीं देखना चाहिए। और आज चाहे पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, राशन कार्ड हो, इन सारी मूलभूत सुविधाओं के लिए राजनीतिक पक्षपात के चश्मे के आधार पर देखा जाता है। चश्मा इस बात भी नहीं, आप हमारे दल में आओ, हमारे दल में आओगे तो विकास होगा, ऐसे देश नहीं चलता। सत्ताएं आती है, परिवर्तन होती है, जनता तो सबकी है। जीतने के बाद विधायक सबका विधायक है, सांसद सबका विधायक है, उसके लिए राजनीतिक दलों के आधार पर पक्षपात तरीके से विकास के आधार को नहीं देखा जाता। उसको तो एक जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि उसके जनता के अभाव कठिनाइयों को दूर करने के लिए वह मिलकर प्रयास करे। लेकिन मुझे याद है इस इलाके के अंदर आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं से लड़ रहे हैं। साथियों चिंता मत करो, मौसम बदल रहा है और मौसम बदल के अंदर हमें भी बदलाव करना है, और बदलाव करने के लिए पूरे संकल्प के साथ निकलना है कि जिस आधार पर विकास में पक्षपात किया जा रहा है, एक तरफ करोड़ों रुपया जिसकी आवश्यकता ही नहीं है वहां करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं, एक टाइम पानी के लिए भी रोज सुबह शाम संघर्ष करना पड़ता है, बिजली के लिए भी सुबह शाम संघर्ष करना पड़ता है, रोड नहीं है, नालियां नहीं है, गांव जैसी स्थिति है। ये राजनीतिक आधार पर विकास के चश्मे को मत देखो। सरकार सबकी होती है, सारे प्रदेश की जनता की होती है। कोविड के समय जब संकट आया तो कोविड के समय मुझे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने कहा कुछ मंत्री मिल के आए। मैंने प्रधानमंत्री जी को राजस्थान की जनता की भावनाओं का अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने कहा दल किसी की सरकार हो, जनता तो हमारी है, इसलिए राजस्थान के लिए जो आवश्यकता होगी वह पूरा किया जाएगा। मेरा भी यही मानना है कि विकास राजनीतिक चश्मों के आधार पर नहीं होना चाहिए। जो सबसे अभाव वाला इलाका है, जहां सबसे वंचित है, जहां पीने का पानी नहीं है, सड़क नहीं है, नालियां नहीं है, बिजली नहीं है, पहले चौराहों पर करोड़ों रुपया खर्च करने के पहले उस इलाके के लोगों को मूलभूत सुविधाएं दो, उसके बाद सौंदर्यकरण में करोड़ों रुपया खर्च करो। एक तरफ करोड़ों रुपया खर्च और दूसरा लोग तरस रहते हैं। मैं जब इलाके के अंदर जाता हूं लोग पानी के लिए तरसते दिखते हैं, रोड के लिए, बिजली के लिए। साथियों वक्त का इंतजार करो। आपने बहुत प्यार दिया, हमें बहुत स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया है।
आपके इस आशीर्वाद से दिल्ली तक हम पहुंचे हैं। लेकिन जो पक्षपात करेगा, जो विकास राजनीति के आधार पर भेदभाव करेगा, उसको परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। और मैं आज आपसे यही कहने आया हूं, हम सब आपके लिए तैयार हैं। हम में जो कुछ भी बनाया आपने बनाया है, और इसीलिए मैं हमेशा प्रयास करता हूं और मेरे कार्यकर्ताओं को भी एक बात कहता हूं कि अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता वह है, अच्छा राजनीतिक कार्यकर्ता वह है जो समाज के सबसे अभाव वाले व्यक्ति की चिंता करे। अगर उसके पास इलाज का पैसा नहीं है और बिना इलाज के अगर वह जिंदगी मौत से खेल रहा है, हम उसके जिम्मेदार हैं, हम इलाज कराएंगे। बिना धन के किसी का इलाज न हो यह संभव नहीं हो सकता। हमारी गर्भवती महिलाएं जो रोजाना मजदूरी करती है, जिनको शाम को खाने का भोजन नहीं होता, अब खुद भी भूखी रहती, आने वाले बेटे को भी भूखी रखती है, ऐसी सब गर्भवती महिलाओं को जो वंचित है, गरीब है, उनके भोजन और पोषण का इंतजार हम करेंगे, ताकि वह मां भी पोषित हो और उसका बच्चा भी पोषित हो। आज मैंने कुछ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्यक्रम शुरू किया है। मैं चाहता हूं ये हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर बने, ये सम्मान से जिए, क्योंकि हमारी जननी माता बहनें हैं और इस माता बहनों का सम्मान करना हमारा दायित्व है। इसलिए जिस इलाके के अंदर जो बेटियां और बहन काम करना चाहती है, कोई सिलाई का काम करना चाहती है, कोई ब्यूटीशियन का काम करना चाहती है, कोई होटल मैनेजमेंट का काम करना चाहती है, जिस भी ट्रेड के अंदर काम करना चाहती है, मोहल्ले वाइज लिस्ट बनाओ, सिलाई मशीन की आवश्यकता होगी सिलाई देंगे, कोई होटल मैनेजमेंट का कोर्स करेंगे तो होटल मैनेजमेंट वाले 3 महीने स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम यहां खोलने वाले हैं, ताज होटल वाले यहां खोल रहे हैं। जितने भी लड़के और लड़कियां यहां ट्रेनिंग लेगी, उन सबको प्लेसमेंट नौकरी देने का काम करेंगे। और भी कंपनी वाले यहां पर खोल रहे हैं, मोहल्ले वाइज लिस्ट बनाने का काम करो। हर महिला को घर बैठे 200-300 रुपए का काम मिले, इसके लिए आत्मनिर्भर बनाना है। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि विश्वकर्मा योजना के तहत हम परंपरागत कामों के अंदर महिलाओं को 1 लाख से 10 लाख का लोन देकर उसको आत्मनिर्भर बनाने का काम करें। और मुझे आशा है हमारी महिलाएं सम्मान से जीना चाहती है, आत्मसम्मान से परिवार की रक्षा करना चाहती है, तो हमारी भी जिम्मेदारी हो जाती है उनको आज राखी के रक्षाबंधन पर एक बहन के रूप में एक भाई का तोहफा होना चाहिए। जो भी महिलाएं काम करना चाहती है उसको प्रशिक्षण दिलाएंगे और प्रशिक्षण देने के बाद उसको रोजगार दिलाने का भी काम करेंगे। और इसीलिए मैं नौजवान साथियों को कहना चाहता हूं, हमें गांव के अंदर पशुपालक के काम में डेयरी के रूप में काम करना है। इस इलाके के अंदर पशुपालन का काम बहुत लोग करते थे, लेकिन अभी छोड़ दिया है। हमें गुजरात की तरह राजस्थान के अंदर भी डेयरी के उस सिस्टम को खड़ा करना है। मैंने 3 दिन पहले चैन सिंह जी को कहा है, जो भी नौजवान डेयरी का फार्म खोलना चाहते हैं उसको काम दें। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नौजवान के बारे में कहा, उसने डेयरी फार्म डाला, डेयरी फार्म के बाद गोबर गैस का प्लांट डाला और उसने बिजली उत्पादन होकर उसने डेयरी प्लांट के चिलिंग प्लांट को डाला। हम सब नौजवानों को कहना चाहते हैं, बहुत विश्वास के साथ कहना चाहते हैं, रोजगार के बहुत अवसर हैं, रोजगार के अवसर की कमी नहीं है, केवल तरीके से हमें मिले। जो रोजगार करना चाहते हैं उसके बताएं, अगर कोई बैंक वाला लोन नहीं देगा
तो हमारी जिम्मेदारी है कि उसको बैंक का लोन दिलाकर आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करने आया हूं, विकास में हम आपके साथ हैं, आपके साथ पक्षपात हुआ है। मुझे विधायक महोदय कई बार जिक्र करते रहते हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक होने के कारण मेरी जनता को प्यासा रखा है, कुछ दिनों का समय बचा है, इस सारे इलाके के अंदर हर घर में नल पहुंचाएंगे, हर घर के अंदर रोड पहुंचाएंगे, हर घर के बाहर नाली होगी, बिजली होगा, और शहर के उन समकक्ष इलाकों के जो विकास में हमसे आगे हैं उनको समानता के रूप में करने का काम इस गणेशपुरा मंडल में करेंगे, क्योंकि यहाँ की जनता ने हमें बहुत प्यार दिया है, स्नेह दिया है, और आपकी आशीर्वाद, आपकी ताकत, आपकी ऊर्जा हमारे साथ है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।